दिल्ली में इस वक्त हमारे 15 मेंबरान जिनका नोटिफिकेशन हुआ है वो पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह आज उन 9 मुंतखब मेंबरान का हलफ होगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान नहीं दुनिया के सबसे बड़े डाकू आसिफ जरदारी की लाहौर में मौजूदगी के बावजूद और उस आसिफ अली जरदारी को अपना पीर और अपना मुर्शद मानने वाली आले शरीफ और वो शहबाज शरीफ को जो कहा करते थे कि मैं उस आसिफ जरदारी को लाहौर की और लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा और उसका पेट फाड़ कर लूटी हुई कौम की और आवाम की दौलत वापस लूंगा। आज दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत की यहां तक पहुंच गई है कि वही शहबाज शरीफ जो लाड़काने और लाहौर की गलियों में आसिफ जरदारी को घसीटने के दावे किया करते थे आज उसकी मुरीदी इख्तियार करके उसको अपना पीर व मुर्शद मानकर हजरत अल्लामा पीर ऑफ डब्बा शरीफ आसिफ अली जरदारी का दर्जा देकर उसकी हदायात के मुताबिक इस वक्त चल रहे हैं, उसके बताए हुए रस्ते के ऊपर चल रहे हैं, उसकी दी हुई लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बेगम सफदर अवान चल रही हैं। और सारी दुनिया को पता है कि पिछले तकरीबन 4 महीनों में जो आसिफ जरदारी की मुरीदी इख्तियार करके आले शरीफ ने जो हासिल किया वो 17 जुलाई को पूरी कौम के सामने आ चुका है कि वो ना अपने आप को शक्ल दिखाने के काबिल रहे हैं ना आवाम को शक्ल दिखाने के काबिल रहे हैं। लेकिन रस्सी जल गई, अभी तक इनको अकल नहीं आई। कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, ये अभी भी उसी पीर आसिफ जरदारी की मुरीदी के अंदर उसके बताए हुए असूलों के मुताबिक चल रहे हैं। और वो बताए हुए असूल क्या है? वो बताए हुए असूल ये है कि हराम का पैसा जो कमाया हुआ है, मुझे कल सिंध की एक इंतहाई अहम शख्सियत ने बताया कि उसने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक 10,300 अरब रुपए का मालिक है आसिफ अली जरदारी। उसने पिछले 14 साल सिंध की और वफाकी हुकूमत की लूटमार के जरिए से 10,300 अरब रुपया कमाया हुआ है। तो आज वो पीर ऑफ डब्बा शरीफ आसिफ जरदारी उन हराम के कमाए हुए अरबों खरबों रुपए उनको लेकर लाहौर बैठा हुआ है। और बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 3 दिन की अनथक मेहनत के बावजूद वो सिर्फ रहीम यार खान का एक लोटा हासिल कर सका है, सिर्फ एक लोटा। और अल्लाह पाक के करम से नबी पाक के सदके पीटीआई के तमाम मेंबरान असेंबली इमरान खान साहब की क्यादत में पाकिस्तान के झंडे तले मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं और वो इनकी किसी धौंस धांधली लालच का शिकार नहीं हो पा रहे। कल इंशाल्लाह इलेक्शन है। मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा। एक तो जरदारी साहब, आपने जो शैतानी और इबलीसी खेल पिछले 3 दिन से लाहौर के अंदर आप इस पंजाब हुकूमत के हवाले से खेल रहे हैं, मेरी आपको वार्निंग है। कल लिबर्टी चौक में मुजाहरा हुआ 4 घंटे के मार्जिन पे, अगर आपने ये शैतानियत ना छोड़ी तो बिलावल हाउस बैरियर टाउन का घेराव इंशाल्लाह लाहौर की आवाम और लाहौर पीटीआई के कारकुनान करेंगे। हम इस डाकू आसिफ जरदारी को इजाजत नहीं देंगे कि सिंध का बुरा हाल है, कराची पानी में डूबा हुआ है, 14 साल की लगातार हुकूमत के बावजूद सिंध का कोई पुरसान हाल नहीं है, कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है, लेकिन साहब बहादुर यहां पर बैठ के पाकिस्तान की सियासत को गंदा कर रहे हैं और पंजाब की सियासत को गंदा कर रहे हैं। अगर बाज ना आए तो अगला मुजाहरा और अगला घेराव बिलावल हाउस बैरियर टाउन लाहौर में इंशाल्लाह उसका होगा। दूसरी चीज, इनकी मुसलसल इस 2 नंबरी और खरीदो फरोख्त और राणा सनाउल्ला समेत इनके जनाब बाकी लीडर्स और वजरा की तरफ से मिमरान को गायब करने की धमकियां और अमल, इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान की अदालतों ने और इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। मैं कहता हूं आज आपकी इस मीडिया टॉक के जरिए से मेरा सिंपल सा एक मैसेज है, क्यों पाकिस्तान के आइन को हम सारे मिलकर जनाब जीलो खार कर रहे हैं? क्यों हम पाकिस्तान के आइन को रिग्रेट कर रहे हैं? क्यों हम पाकिस्तान के आइन को डिग्रेड कर रहे हैं? आइन के अंदर जनाब आइन का आर्टिकल 63 ए लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं है। पिछले 4 महीने से धज्जियां उड़ाई गई आइन की, कानून की, मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त के हवाले से जो लिखा हुआ है
वजारत उज़्मा और वजारत आला के इलेक्शन के हवाले से जो लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बरवक्त फैसले नहीं हुए, जिसकी वजह से आज फिर लाहौर के अंदर मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त की मंडियां लगी हैं और मेंबरान असेंबली को गायब करने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अदारे, अदालतें और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो मैं एक सिंपल सी राय दूंगा, बड़ी मासूमाना सी राय, क्यों ना इस तरह किया जाए कि पाकिस्तान के आइन के अंदर तरमीम कर ली जाए, वजारत उज़्मा और वजारत आला के इलेक्शन के बजाय वजारत उज़्मा और वजारत आला का ऑक्शन कर लिया जाए। इलेक्शन को ऑक्शन के अंदर जनाब सिर्फ चेंज कर ले, एक लफ्ज चेंज करना है, सारे मसले हल हो जाएंगे। जो बंदा ज्यादा बोली लगाएगा मेमरान की, वो वजीर आजम बन जाएगा, वो वजीर आला बन जाएगा, आइन की इज्जत भी बची रहेगी, कानून की इज्जत भी बची रहेगी, कानून की तौकीर भी बची रहेगी, रियासत की तौकीर भी बची रहेगी। वरना जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें तो रियासत आइन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो जनाब वजारत उज़्मा और वजारत आला का इलेक्शन के बजाय उसका ऑक्शन कर लिया जाए तो शायद जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून की इज्जत बच जाए। और चीज इंशाल्लाह कल 22 जुलाई को डंके की चोट पे अल्लाह पाक के फजलो करम से नबी पाक के सदके चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला बनेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है जितना ये धौंस धांधली दबश अंदरूनी बैरूनी ताकतों को इस्तेमाल करके इस आले शरीफ और इस नून लीग और इस अंजमन गुलामा ने अमरीका ने करना था कर लिया, लेकिन इंशाल्लाह इन्हें कोई हासिल वसूल नहीं होगा। पंजाब से आगाज होगा दोबारा से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और रिवाइवल का। सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की यह है कि 242 रुपए का डॉलर हो चुका है और डॉलर की जनाब 242 रुपए पे एलसी खोली जा रही है जनाब बैंकों की तरफ से, और डॉलर पूरी पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट से गायब हो चुका है। क्राइसिस की इंतहा यह है कि पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुका है। मेरी पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार, अरबाब बस्तोकुशाद और अदारों से और पूरे सिस्टम से यह गुजारिश है, अगर इस मुल्क को बचाना है तो स्मूथली इम्पार्शल होकर इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चलने दें। पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह वफाक के अंदर तब्दीली आएगी तो पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जामन होगी। अगर आप इसमें इंटरवीन करेंगे नेगेटिव तरीके से, अगर आप मुदाखलत करेंगे नेगेटिव तरीके से, अगर पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट को चुराने की कोशिश की जाएगी तो जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, इनके नकम्मेपन की वजह से, वो हालात मजीद बिगड़ेंगे। शहबाज शरीफ को सिफा देते हैं, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वजीर आजम है वो आ जाएगा, मुल्क के हालात संभाल लेगा? और दूसरी बात है कि अगर हमजा शहबाज ने जो है इस्तीफा नहीं दिया तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखें, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं सिर्फ देंगे, शहबाज शरीफ साहब और सारी पोलिटिकल पार्टीज मिलकर फौरी फ्री और फेयर इलेक्शन हम उसकी तरफ जाएंगे। हमारा तो मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन हो और फ्रेश मैंडेट मिले, आवाम जिसको जनाब मुंतखब करें वजीर आजम और जिसको इक्तदार के अंदर जिस पार्टी को लेकर आए वो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से और इस गंभीर हालात से बचाने की जो है वो कोशिश करें। आप जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कुछ लोग आपके खरीदे डंके की चोट पे कल इंशाल्लाह सरदारी ने वो सजा लिया, लेकिन हासिल वसूल सिर्फ एक लोटा नसीब नहीं हुआ था, ये एक लोटे इंशाल्लाह नहीं हुआ।